तो लगभग 50 रुपये में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, वो गाजर स्टेम बॉक्सेस। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का बेहतरीन वाला हलवा, जो आपको खाने में बड़ा टेस्ट आएगा। पहले हम गाजर को छील लेते हैं। गाजर को छीलने के बाद इसमें हम अपने गाजर को कस लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर अपना गाजर को कस लिया गया है। अब गाजर को कसने के बाद हम इसे उगलने के लिए रखेंगे। हम ये कढ़ाई ले ली हमने, कढ़ाई में रख के इसे उगा लेंगे हम। दोस्तों जैसा कि हमने इसे कढ़ाई में के अंदर रख दिया है सारा, अब हम इसे उगलने के लिए रखेंगे। दोस्तों इसे हमने फ्लेम इस पर चढ़ा दिया है हमने चूल्हे। अब इसमें हम दूध डाल दे रहे हैं ताकि ये लगे ना नीचे से। दोस्तों अब इसे हम थोड़ा चलाएंगे ताकि ये मिल्क जो है, दूध जो है, इसमें गाजर के समय मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद हम इसे बंद करके रख देंगे इसे ढक के, ताकि अच्छे से आपका बन जाए। अब इसे ढक देते हैं हम इसे 15 मिनट ऐसी बंद रहने देंगे, उसके बाद खोल के देखते हैं क्या। देखिए फ्रेंड, इसमें उबाल आने लगा है। हम इसे हल्का हल्का चला देंगे। इसका कलर भी चेंज होने लगा है। हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। और डालने के बाद इसे चला देंगे हम ताकि सब में ये मिक्स हो जाए। घी, इसमें घी जो है मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 6 से 7 सफ़ेद इलायची डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा आएगा। इलायची डालने के बाद हम इसको चला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, इसके अंदर इसका रस जो है सारे उसमें पहुंच जाए। अब हम इसमें 1.5 प्याली लगभग चीनी डालेंगे। अब डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा नारियल डालेंगे, जो ये कसुआ नारियल था, लगभग आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा था। ये प्याली देख लीजिए कितनी बड़ी है, इसके हिसाब से आप डाल सकते हैं बढ़िया आराम से। हम इसे चला देंगे। आप इसमें काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर, जितना टेस्ट लेना चाहें। इसके अंदर खोया डाल सकते हैं, खोए की जगह हमने इसमें दूध डाल दिया था। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है, देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके अंदर जो पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये आ रहा है, ये जब तक ख़त्म हो जाएगा, जब तक हम इसे इस पर रखा रहने देंगे हल्के फ्लेम पे, ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, जब तक हम इसे बंद कर देते हैं। ये देखो इसका पानी पूरा खुशक हो गया है, ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। हम इसका टेस्ट लेंगे, बहुत ही बेहतरीन, देखिए बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनी है इसकी, गाजर के हलवे की, जो आपको बहुत ही कम लागत से बनी है। दोस्तों ये इसमें काजू बादाम वगैरह कुछ नहीं है, खाली इसमें हमने नारियल डाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए हम इसका स्वाद लेके देखते हैं कैसा है। दोस्तों अभी हम इसका स्वाद लेके देखते हैं कैसा है। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, ये बड़ी आसानी के साथ आप अपने घर पे इसे बना सकते हैं। कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती इसमें, कुछ नहीं लगता है, बस ये आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। लगभग हमने 1 किलो गाजर ली थी, 1 किलो गाजर में देखिए हमारा कितना तैयार हो गया है, लगभग 1 किलो से ज़्यादा ही होगा जो हमारा ये गाजर का हलवा तैयार हुआ है। ये बहुत ही कम लागत में तैयार हुआ है, सिर्फ 1 किलो गाजर, थोड़ा सा घी और लगभग 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम चीनी
और ये 5 रुपए की इलायची हमने यहाँ पे इसमें यूज़ करी है, और 10 रुपए का गोला, तो लगभग 50 रुपए में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और गाजर इस टाइम बहुत सस्ती है, 10 रुपए किलो दोस्तों, तो आप ले लें 50 रुपए में 1 किलो गाजर के हलवे का स्वाद उठाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।